खबर ग्वालियर से है, जहां कलेक्ट्रेट में मंगलवार दोपहर को जनसुनवाई में उस समय हंगामा मच गया जब एक महिला ने अपने ऊपर केरोसिन उड़ेल कर आग लगाने का प्रयास किया। वहां मौजूद लोगों में उस समय भगदड़ मच गई। आसपास खड़े अधिकारियों ने समय रहते महिला को रोक लिया, किसी तरह हालात पर काबू पाया। एक साथ कई महिलाओं के प्रमाण पत्र निरस्त करने से वह नाराज थी। कलेक्ट्रेट में अधिकारियों ने समझाइश देकर महिलाओं को फिलहाल अधिकारियों ने जाति प्रमाण पत्र फॉर्म भर देने की कहकर हंगामा शांत करा दिया है। पता चला है कि पिछले दिनों आदिवासी महिलाओं के जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए थे। इस बात को लेकर आदिवासी महिलाओं में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। मंगलवार को मोगिया समाज की आदिवासी महिलाएं एकजुट होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची थी। उस वक्त कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई चल रही थी। जन सुनवाई के दौरान एक आदिवासी महिला ने खुद के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर खुदकुशी करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने जब यह नजारा देखा तो फुर्ती दिखाते हुए महिला के हाथ से मिट्टी के तेल की बोतल छुड़ाई और महिला को खुदकुशी करने से रोका। इसके बाद महिला जमीन पर लेट गई और उसके साथ आई महिलाएं जन सुनवाई में काफी देर तक हंगामा करती रही। वहीं सुसाइड का प्रयास करने वाली महिला सुनीता मोगिया का कहना है कि पहले प्रशासन ने उसके गाँव की महिलाओं के बहुत से जाति प्रमाण पत्र बनाए थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही उन्हें निरस्त कर दिया गया था। वह काफी दिनों से कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रही हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रमाण पत्र निरस्त होने से उन्हें शासन की कोई भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। स्कूल वाले बच्चों को पेपर नहीं देने दे रहे हैं। स्कूल वाले बोल रहे हैं कि जाओ अपना जाति प्रमाण पत्र लेकर आओ, और उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। ग्वालियर के कलेक्ट्रेट में मंगलवार को जनसुनवाई चल रही थी। इसमें अचानक 50 से ज्यादा महिलाएं पहुंच गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया कि उनके एसटी के प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं और अब बना नहीं रहे हैं। इसके कारण उनके बच्चों को स्कूल और हॉस्टल से निकाल दिया गया है। वे लोग 6 महीने से चक्कर काट रही हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बच्चों का भविष्य खराब, हमारी जाति 50-60 जाति बनाई, हमारी पूरी रजट कर दी गई सर ने, पूरी रजट कर दी। हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल रहे हैं, स्कूल में पेपर नहीं देने दे रहे कि जाओ जाति लेकर आओ, लेकिन फिर भी कह रहा है गुंडे नेट बदल गए, जाति निस्त हो चुकी है, उनने बच्चों को निकाल दिया। कितनी जाति है? 50-60 जाति है हमारे, यही के रहने वाले हैं। सुनवाई में आपने देखा ही किसी महिला ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाला संभवतः, और वो पता नहीं क्या करना चाह रही थी, लगता है प्लानिंग के साथ आई थी, तो ऐसी हाँ स्थिति खराब हुई जन सुनवाई में। हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया उसको, संभवतः वो मोगिया समुदाय के लोग हैं जो जाति प्रमाण पत्र के बारे में बात कर रहे हैं। पहले मैंने बात की थी इनसे, मैंने कहा मोगिया एससी में भी आते हैं एसटी में भी आते हैं, मैं एससी का बना देता हूँ। ये लोग पहले तैयार हो गए थे, बाद में तैयार नहीं हुए, और आज अचानक इस तरह की घटना जो है ये ठीक नहीं है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888599 पर।